नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 9वें दिन भी जारी है। आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। गुरुवार को किसान संगठनों से जुड़े नेताओं और सरकार के बीच एक और दौर की वार्ता हुई। करीब 8 घंटे तक चली बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए तैयार है। अगली बैठक में समाधान की उम्मीद है। इस बीच किसानों की कुछ मांगों को लेकर सरकार तैयार हो गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार मंडियों को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान परिवेश सृजित करने, विवाद समाधान के लिए किसानों को ऊंची अदालतों में जाने की आजादी दिए जाने जैसे मुद्दों पर भी विचार करने के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था जारी रहेगी। MSP के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि MSP चल रही थी, MSP चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी, इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ बैठक के बाद कहा कि SDM स्तर से आगे विवाद समाधान के दायरे और क्षेत्राधिकार बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार तैयार है। सरकार APMC यानी कि कृषि उपज बाजार समिति मंडियों और नए कानूनों के तहत बनने वाली निजी मंडियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत APMC मंडियों के बाहर काम कर रहे कारोबारियों के पंजीकरण के लिए भी प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। आपको बता दें, नए कानूनों के कारण मंडियों को कमजोर करने के संदर्भ में किसानों की चिंता पर विचार करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम तैयार हैं। सरकार पराली जलाए जाने और बिजली संबंधित कानून पर अध्यादेश से संबंधित किसानों की चिंता पर भी गौर करने के लिए तैयार है। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो SDM कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि SDM कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि SDM कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने पराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है, इस दिशा में भी बातचीत की थी। तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है, इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है। लेकिन फिर भी लोगों की शंका है तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी कहा कि अगली बैठक शनिवार दोपहर 2 बजे होगी। उम्मीद जताई कि इस बैठक में मामला निर्णायक स्तर पर पहुंचेगा और कोई समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने किसान संगठनों से ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन खत्म करने की भी अपील की। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से किसान नेताओं से भी किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर जी का सीधन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है
उससे दिल्ली के नागरिकों की निजात मिलेगी। हालांकि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद किसानों से बातचीत में कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। किसानों का कहना है कि सरकार के सामने बात कृषि कानूनों की वापसी के लिए रखी जा रही है, लेकिन सरकार सिर्फ MSP के बारे में बात कर रही है, वो कुछ और नहीं बल्कि विवादास्पद कानून को खत्म होते देखना चाहती है। किसान संगठनों की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि सरकार ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों में कुछ संशोधन पर विचार की पेशकश की है, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया है। हाँ, सरकार ने MSP पर संकेत नहीं, अभी तो चल रहा है, अभी तो बिल वापसी की भी बात है, अभी पूर्ण रूप से बिल वापसी की भी बात है। हाँ। और सरकार बिलों में संशोधन चाहती है। एक बात अगर मानती है सरकार की MSP नहीं, नहीं, एक पर नहीं, बहुत से चीजों पर बात होगी। वापस लेना ही पड़ेगा। अभी किसानों की तरफ से यही के बिल वापसी हो और सरकार बिलों में संशोधन और MSP पे बात करना चाहती है। आज की बैठक के बाद आपको लगता है कि कुछ बात आगे बढ़ी है या हाँ? नहीं, बढ़ी कुछ बात आगे बढ़ी। नहीं, आंदोलन वापसी का कहाँ सवाल आ गया? आंदोलन तो बढ़ेगा आंदोलन। अगर आप लोग अड़े हुए हैं कि जब एक बात तो बताओ, जब परसों ही तो होगी ना, 5 तारीख में होगी फाइनल, तो आंदोलन की बात तो जब यहाँ पर मीटिंग हो जाएगी उसके बाद में होगी आंदोलन। आंदोलन तो बीच में ही नहीं अभी। जो क्लॉज बताया गया, ठीक है सर, उस पे क्या लगता है? जो क्लॉज दिया बना के किसानों ने, उस पे लगता है कुछ? किसानों ने क्लॉज नहीं दिया, वो तो बातचीत वहाँ पे हुई है, जो इशू थे उन पर बातचीत हुई है। अभी किसानों ने नहीं दिए और जो वहाँ कंक्लूजन निकले तो बैठे। हाँ, है तो बेनतीजा ही है। किसानों ने सरकार को कह दिया है कि उसके पास केवल 2 विकल्प है, या तो वो कानूनों को निरस्त करे या फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए बल का प्रयोग करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।